कूड़ा तोड़ना तो ना देखिए पूरा तय है, हम बोला ना कि यहाँ तक तोड़ना ही पड़ेगा आपको, हर हालत में तोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसका पूरा। पूर्णिया जिला के 22 प्रखंड में संवेदक और अधिकारी के लापरवाही से एक और अर्ध निर्मित पुल टूटकर जमीन में बिखर गया। पुल के ध्वस्त होते ही स्थानीय ग्रामीणों हुए आक्रोशित। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पुनः पुल निर्माण की मांग की गई। बताते चले कि पूर्णिया जिला के 22 थाना अंतर्गत चंद्रगामा पंचायत के मिलिक टोला हाट सलीम चौक के पास निर्माण हो रहे पुल ढलाई के दौरान ही टूटकर गिर गया। जानकारी के अनुसार ये पुल फटकी चौक से बैरिया जाने वाली सड़क पर सलीम चौक के पास बन रही चार पाया का बॉक्स ब्रिज का ढलाई शनिवार रात्रि 10 बजे हो रही थी। तीन पाया का ढलाई पहले ही हो चुकी थी और एक ही पाया ढलाई होना बाकी था। सेटिंग कमजोर होने के कारण अचानक पुल ढलाई के दौरान ही पुल टूटकर गिर गया। पुल टूटने की खबर से स्थानीय ग्रामीण काफी आक्रोशित नजर आए और रात के समय ही स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल पहुंचकर संवेदक को फटकार लगाया। वही गनीमत रही कि पुल टूटकर गिरने से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वही घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद और सड़क विभाग के कार्यपालक अभियंता राकेश कुमार घटनास्थल पहुंचकर ध्वस्त पुल का बारीकी से निरीक्षण किया। अब आगे देखना यह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि एवं वरीय पदाधिकारी अपने संज्ञान में लेकर आगे क्या कार्रवाई करते हैं। वहीं जब इस बारे में सड़क विभाग के कार्यपालक अभियंता राकेश कुमार से पूछने पर उन्होंने बताया कि इसकी जांच की जा रही है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि पुल कैसे टूटा। पुल पहले से जो है, हम लोग जब इसका मतलब देख रेख में आए तो पहले से ही डैमेज हो रहा था। इसके खबर जो संवेदक को भी दिए, SDO साहब को भी दिए, मगर उन लोग ने कोई सुनवाई नहीं किया इस चीज़ के लिए, ना देख रेख में किया ये लोग, ठीक है ना। उसके बाद जब अचानक में हम लोग छोड़ दिए बीच में कि भाई बनना चाहिए, उसके बाद जो है जब रात को 10 बजे रात तक भराई कर रहा था, जो कि भराई नहीं करना था, ठीक है ना, फिर भी बगैर SDO के मौजूदगी में, बगैर इंजीनियर के मौजूदगी में ये लोग रात को भराई कर रहा था। जब ये 10 बजे रात को टूट के गया तब हम लोग को आवाज़ आई, फिर हम लोग यहाँ भाग के आए। उसके बाद जी हम लोग तो मान यही करते हैं कि फटकी से लेके चहट तक ये जो सड़क है और इसमें जितने भी पुल आते हैं, सबसे ज़्यादा पुल यही डेंजर है और यहाँ पानी का जितना करंट है, क्योंकि सब पुल से इसको हैवी बनना चाहिए और हम लोग अभी चाहते हैं कि इसको तोड़ करके, नीचे से तोड़ करके फिर से दोबारा इसका निर्माण किया जाए। क्या इस पुल के टूटने से यहाँ के स्थानीय लोगों को किसी तरह की कोई नुकसान हुई है या फिर एक बड़ी दुर्घटना डल गई? ये दुर्घटना तो हुई नहीं है, अगर सोच के चलिएगा तो जनता के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना है, क्योंकि इसके लिए कि अभी मक्का का सीजन चल रहा है, हम लोग सोचे कि ये पुल जल्दी बन जाए तो यहाँ से मतलब 17 पंचायत को जोड़ने वाली सड़क जो पुल बन रही थी, तो ताकि इसमें आवागमन हो, मगर इस तरह का जो ये लोग काम कर रहे हैं चोरी चुपके से और SDO के मिली भगत से और इंजीनियर की मिली भगत से, तो ये कहीं ना कहीं ये लोग दिखाना चाहता और दिख भी गया और साबित भी हो गया कि यहाँ क्या गलत काम हो रहा था। इससे पूर्व भी 22 में एक पुल टूट के गिर गया था, आखिर इस तरह का पुल टूट के गिर जाना 22 क्षेत्र में, इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ जिम्मेदार सबसे पहले आता है संवेदक और उसका SDO इंजीनियर, ठीक है ना, क्योंकि देख काम देना विधायक जी को वो तो दे दिए हैं, ठीक है ना, काम करवाने वाला सबसे बड़ी जिम्मेदारी होता है, काम किस तरह किस ढंग से किया जाए। ये पुल जो रात को टूट के गया, क्या कमी थी इसको जो टूट के गिर गया? बहुत सारी कमी थी इसमें, जो मटेरियल की जो होती है कमी, उसके कमी थी, सेटरिंग जो ठोका है उसकी कमी थी, खैर सरिया तो जो है वो अपनी जगह में ठीक है, मगर सेटरिंग का कमी है, जुगाड़, सुनिए, सेटरिंग का जुगाड़ के कमी की वजह से ये पुल की दुर्घटना हुई। मतलब मेरा परिचय है नूर इस्लाम, वार्ड सदस्य, संघ 22 उपाध्यक्ष, यह है अपना चंद्रमा पंचायत सलीम चौक। सिस्टम में जो कंक्रीट जो डाल रहा था, हाँ। कंक्रीट तो कंक्रीट डालने में हम मिस्त्री को बोले कि देखो बाबू कंक्रीट पूरा में डालो, लेकिन मिस्त्री हम लोग को क्या बोलता है कि बाबू आप क्या जानते हैं, नहीं जानते तो बाबू हम लोग झल्लम झोल है, हम लोग को कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है करो जैसा मर्जी वैसा करो। और जो भी अड़चन लगा रहे थे, बार बार अड़चन लगा रहे थे कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, हम लोग करते ही रहे थे। काम सही हो रहा था तो गिर कैसे गया पुला? अब जाने सरिया वाला, जाने सेटरिंग वाला, कैसे गिरा नहीं गिरा वो बात हम लोग कैसे। यहाँ पे अधिकारी जांच के लिए आते थे? हाँ आते थे। तो आप लोग कंप्लेन करते थे कि काम ऐसा ऐसा हो रहा था? अभी हम जो बोलेंगे तो बहुत आदमी को खराब लगेंगे ये बात। SDO एक बार आए थे मुखिया जी के, परिजन मुखिया जी अभी जो हैं उसके सामने में SDO आए थे, पहले जो डगरवा वाला ठेकेदार आया थे तो उसको बोले थे कि आप ऐसे ऐसे करो, तो SDO
यहाँ मुखिया जी भी बोले और भी कोई यहाँ के सामाजिक बोले कि आप क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं। तो इस जो है तो कौन खेत का मूल है वो, हम मेरा काम खराब होगा तो हम नहीं बोलेंगे। हाँ, हमको यहाँ 24 घंटा रहना है, जिंदगी इसी में बिताना है, तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। इसमें से बहुत आदमी को तकलीफ हुआ, वो यहाँ का मेरा बासंदा यहाँ जो है वो बोलता कि ये उसको कुछ नहीं मिला है ना, तब ये करता है ऐसा काम। तो इस तरह की भी बात हो रहा है यहाँ, मतलब एसडीओ साहब भी आपका बात नहीं सुनता ना, कभी नहीं सुना है। एसडीओ के सामने में बोलेंगे, हम मुखिया जी हैं, पर मुखिया जी के सामने भी बोले हैं ये बात। एसडीओ साहब पूरा एक्शन लिए नहीं किए हैं, हम तभी से एसडीओ साहब पर गुस्सा है। जब से हमको एसडीओ साहब बोला कि आप क्यों क्या जानते हैं, तो तभी से हम उसके ऊपर खराब है। हम नहीं जानते, हम काम करने वाले हैं तो हम नहीं जानेंगे। आप तो बैठ के बताने वाले हैं, आप ऐसे जैसे देखोगे वैसे बताओगे ना। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सोहराब।